हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है पिचाई कारण टू इस फिल्म को हिंदी वर्जन में सिर्फ पिच्चाई कारण नाम दिया हुआ है ये फिल्म कहाँ पे कौन से ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर एनालिसिस की जाएगी आने वाले सिक्वल के ऊपर भी बातचीत होने वाली और फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग जो तथ्य है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं

पहला पिक्चर कारण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहां पे भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहां पे आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो तो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिबिडेंट डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज किया गया था जहाँ पे पिचय करण टू तमिल नाम था बिचागाड़ो टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गाँव वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोर विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है हजार बाईस दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों की हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको

ये छह गाने थे जिसकी 20 मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवीं फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज़ हुआ बिचागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डिरेक्ट कर लेते तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लुक पोस्टर पिक्चर करन ट्वेंटी बीकीली नाम के साथ बारह मार्च दो को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो एक सेटम्बर दो को स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जिया दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर 2022 को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहां पे ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाँ के की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू पुवे वो लगे में शूट हो रहा है एंटनी काव्या था पर वोटर स्कूटर पे एक उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई गई वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीजें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पुश किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की ोग्राफी राज सेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम में और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज किया गया था ट्रेलर था उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापा देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोडी का रोल शिवनैया ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, मह, महदेश प्रियादर्शिनी राजकुमार फवाज़, सहयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीयर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागढ़ टू या पिचयकरण टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते हुए विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू वो पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, के किसी एंटीबे के लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीजें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अब ये के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटर ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटर ने एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराड़ी जॉन विजय ने एक सेटिसफेक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पर इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ जिस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा ओ, अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरिट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी के लिए प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुए है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आर के डी स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकेंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चर

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें पांच पॉइंट की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने छत्तीसगढ़ जितना क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं

कारण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओ टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचय कारण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचय कारण टू एन टीबी और ये फिल्म 2016 की जो पिचय कारण आई थी उसका स्टेन सिक्वल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीज़ें काफ़ी अलग है पहला पिक्चर कारण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहां पे भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहां पे आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिविडेंट डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पिचयकरण टू तमिल नाम था बिचागाडू टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कंपोजिशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था 20 मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करें तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पर विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू को करके जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे करेश रविचंद्रन ने उसको गाया हुआ था पुवे करके जो गाना था उसको लिखा हुआ था अरुण भारती ने गाया हुआ था शरद संतोष और मधुश्री ने वहीं पर इस फिल्म का जो गाना था हिरावन उरुविल उसको तमिला ने लिखा हुआ था विक्रम पीति अरविंद कामेश्वरन कौशिक दरन, लक्ष्मी और सुरभि ने उसको गाया हुआ था ये छह गाने थे जिसकी लेंथ बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारम फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिचागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डिरेक्ट कर लेते तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शन के तौर पर और यहीं इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर कर ट्वेंटी बीकेले नाम के साथ बारह मार्च दो को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो एक सेटम्बर दो को स्टार्ट करवा दी गई थी जहाँ पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जिया दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर 2022 को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहां पे ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाईकोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू पुवे वो लगे में शूट हो रहा है विजय एंटनी काव्या था पर वोटर स्कूटर पे एक उसके ऊपर सोंग की फिल्म आई गई वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज़ में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने कंप्लीट करवाई एडिटिंग विजय टोनी ने खोद की एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी राज शेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम कोसियम और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज़ किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापा देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलते है पूनंग कोडी का रोल शिवन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, 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 महदेश प्रयादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीयर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए पिचागढ़ टू या पिचाई करण टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मरना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन टी लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीजें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों हाँ अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराड़ी जॉन विजय ने एक सेटिस्फैक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन के लिए प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज ली हुए है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी है प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आरकेड स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नजर आती है और बिग स्क्रीन पे देखो या स्मॉल स्क्रीन पे फिल्म काफी अच्छा एक इंजोएबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चौप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला के बात करें तो पिचाई कारण टू या बिचागार्डू एक ऐसी फिल्म है जो कुछ पार्ट्स में काफ़ी बेहतरीन वक्त है वहीं पर कुछ पार्ट्स में ठीक ठाक लगती है तो फिल्म की स्टोरी लाइन एक नीट अच्छी थी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी इमोशनल क्लाइमेक्स अच्छा था तो ये सभी चीजें फिल्म के हाईलाइट पॉइंट है इस वजह से इस फिल्म को देखना चाहते हो तो जरूर देख सकते हो पिचाईकरण टू फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 19 मई 2023 को जहां पे पिचाकरण टू नाम तमिल में था तेलुगु में था टू पंद्रह करोड़ का बजट था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने 36 करोड़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

पिछयकरण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओ टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचयकरण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचयकरण टू एन के लिए और ये फिल्म 2016 की जो पिचाई कारण आई थी उसका अलोन सिक्वल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीज़ें काफ़ी अलग है पहला पिक्चकरण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउट रावड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहाँ पे भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हैं देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म सी फाइव के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहां पे आप रोड साइड रावली नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर एक स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डेब्यूडेड डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए तो थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज किया गया था जहां पर पिचाईकरण टू तो तमिल नाम था बिचागाडो टू तो तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोजन जिशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिशिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है हजार बाईस दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायण विघनेश नारायण ने उसको

ये छः गाने थे जिसकी थे बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डायरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवीं फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज़ हुआ बिचागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लुक पोस्टर पिक्चर करन के लिए नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जिया दुबई जैसे अलग अलग लोकेशंस में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाईकोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटीज तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम वो लगे कवि में शूट हो रहा है विजय काव्या था पर वोटर स्कूटर पे एक ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आएगी वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो ब्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज़ में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने कंप्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी राजशेखर ने की हुई थी जिन्होंने अयपनम कोश्यमय और महेश मेथ्यू फिल्म में एक काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक कोरोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज़ किया गया था ट्रेलर था 29 उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापा देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ एलंगा को प्ले किया है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्ण अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्ण मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साई धीना देखने को मिलती है पूनम कोड़ी का रोल शिवन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, 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 महदेश प्रयादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक, जोक काथिर वहीं पे, वर्मा, जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपील हुए थे, थे सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिछागरू टू या पिचाई करण टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू वो पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, के किसी एन के लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक संध में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अब ये सत्या है कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटर ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते क्लाइमेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराडी जॉन विजय ने एक सेटिसफेक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नजर आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नजर आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा ओ, अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में इंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुए है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी ये प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पर काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आर के स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ़ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चर या एक ऐसी फिल्म है जो कुछ पार्ट्स में काफी बेहतरीन वक्त है वहीं पर कुछ पार्ट्स में ठीक ठाक लगती है इस वजह से इस फिल्म को देखना चाहते हो तो जरूर देख सकते हो पिचयकरण टू फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था 19 मई 2023 को जहां पे पिचय करन टू नाम तमिल में था तेलुगू में था बिचा टू पंद्रह करोड़ का बजट था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने छत्तीसगढ़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस वो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

पिचयकरण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटी टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचयकरण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचयकरण टू एन लिए और ये फिल्म 2016 की जो पिचई कारण आई थी उसका अलोन सिकवल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीज़ें काफ़ी अलग है पहला पिक्चकरण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहां पे भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहां पे आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिबिडेंट डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे तो फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करण टू तमिल नाम था बिचागाडू टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कंपोजिशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था 20 मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है 2022-2023 में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पर विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू को करके जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे करेशमा रविचंद्रन ने उसको गाया हुआ था कल्लुम पुवे करके जो गाना था उसको लिखा हुआ था अरुण भारती ने गाया हुआ था शरद संतोष और मधुश्री ने वहीं पर इस फिल्म का जो गाना थारा वन उर्विल उसको तमिला नब कपूर ने लिखा हुआ था विक्रम पीति अरविंद कामेश्वरन कौशिक श्रीधरन, लक्ष्मी और ने उसको गाया हुआ था ये छह गाने थे जिसकी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते थे प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवीं फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिचागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्सर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर के, के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जिया दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाई कोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथोरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम फूवे वो लगे कवि में शूट हो रहा है विजय एंटनी काव्य था पर आ, वोटर स्कूटर पे एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने कंप्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरियोग्राफी राज शेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम कोश्यम और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापर देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ को प्ले किया है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते हैं एम कृष्ण अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोड़ी का रोल सिवन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, मह, महदेश प्रियादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीयर हुई थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागढ़ टू या पिचयकरण टू फिल्म के ऊपर का बातचीत करे तो उसकी कहानी से शुरुआत करते हैं विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू वो पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन के लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन टी लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी सत्या है, कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ओन सिकवा पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देव गिल हरीश पेराडी जॉन विजय ने एक सेटिस्फैक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी के लिए प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुए उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपॉर्टेंस दिया जा सकता उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीजें उनकी प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पर काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आर स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ़ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चर

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन 1600 वोट हासिल किए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने छत्तीसगढ़ जितना क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस वो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिछाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

पिचाय कारण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटीटी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचाय कारण 2 यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेक्ट होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचाय कारण 2 एनटीवी के लिए और ये फिल्म 2016 की जो पिचाय कारण आई थी उसका स्टैंड अलोन सिक्वेल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीजें काफी अलग है पहला पिक्चा करण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 42 से 43 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहाँ पे भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिबिडेंट डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पिचय करण टू तमिल नाम था बिचागाडू टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोज विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिशिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हज़ार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू को करके जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे करेशमा रविचंद्रन ने उसको गाया हुआ था कल्लुम पुवे करके जो गाना था उसको लिखा हुआ था अरुण भारती ने गाया हुआ था शरद संतोष और मधुश्री ने वहीं पर इस फिल्म का जो गाना थे हिरावन उरुविल उसको तमिला ने लिखा हुआ था विक्रम पीति अरविंद कामेश्वरन कौशिक श्रीधरन पवित्राचारी लक्ष्मी और सुरभी ने उसको गाया हुआ था ये छह गाने थे जिसकी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवें फिल्म को डेरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई दो हज़ार बीस को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिचागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्सर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर कर ट्वेंटी बी के लिए नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो एक सेटम्बर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जो दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाईकोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटीज तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम पुवे वो लगे कवि में शूट हो रहा है विजय एंटनी काव्या था पर आ, वोटर स्कूटर पे प, एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई वहाँ वहां कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो ब्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरियोग्राफी राजशेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम कोश्यमय और महेश मेथ्यू फिल्म में एक काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज़ किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापर देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जोन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते हैं एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई महेंद्र ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा सामिका रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोडी का रोल शिवन नैया ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, म, मह, महदेश प्रियादर्शिनी राजकुमार फवाज सहयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बलू को गाने में अपियर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागढ़ टू या पिचयकरण टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे और उनकी गेंग क्या विजय को मरना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या आ, क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देव गिल हरीश पेराडी जॉन विजय ने एक सेटिसफेक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट की हुई थी इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा ओ, अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीजें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी एंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीजें उनकी है प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आरके डी स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फ़िल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला के बात करें तो पिक्चा

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडी पे करीबन 1600 वोट हासिल किए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने 36 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटीटी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डेब्यू डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करण टू तमिल नाम था बिचागाडो टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोज पोजीशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिशिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकिली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको

ये छह गाने थे जिसकी लेंथी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवें फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिचागाड़ो टू उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्सर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का करेक्टर लुक पोस्टर पिक्चर करण ट्वेंटी बी के लिए नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जो जै दुबई जैसे अलग अलग लोकेशंस में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाई कोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटीज तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू पुवे वो लगे कवि में शूट हो रहा है विजय काव्या था पर आ, वोटर स्कूटर पे प, एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई गई वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीजें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज़ में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय एंटनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरोग्राफी रात से करने की हुई थी जिन्होंने पनम में और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में चार मिनट का एक सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज़ किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो so विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापर देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जोन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते हैं एम कृष्ण अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा सामिका रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलते हैं रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलते है पूनंग कोडी का रोल शिवन नैया ने, ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको महदेश मह, मह प्रियादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीयर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागर टू या पिचाई टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले कर रहे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मरना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हमसकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन टी लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक संध में काफ़ी सारी चीजें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन टी के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अब अभी सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है पिचय कारण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचय कारण टू एन टीबी के लिए और ये फिल्म 2016 की जो पिचई कारण आई थी उसका स्टेन अलोन सिकवल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीजें काफी अलग है पहला पिक्चर कारण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहां पे भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहां पे आप रोड साइड रावली नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिविडेंट डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पिचय करण टू तमिल नाम था बिचागाडो टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोज विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग और सिंगर के पास गवाया हुआ था मिनट अड़तालीस दो हजार तेईस में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों की हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको

ये छह गाने थे जिसकी थी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारम फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज़ हुआ बिचागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लुक पोस्टर पिक्चर ट्वेंटी बी के लिए नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जा दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाँ के की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथोरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम पुवे वो लगे में शूट हो रहा है विजय काव्या था पर वोटर स्कूटर पे एक ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई गई वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीजें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीजों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पुश किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय एंटनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस के ोग्राफी राज से करने की हुई थी जिन्होंने पनम कोशियम और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरोफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापर देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई महेंद्र ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साई धीना देखने को मिलती है पूनम कोडी का रोल शिवन ने, ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, 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 महदेश प्रियादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीयर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागर टू या पिचाई टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले कर रहे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गैंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, के किसी एन टी लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीजें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी ये सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय ने एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देव गिल हरीश पेराडी जॉन विजय ने एक सेटिसफैक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नजर आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट की हुई थी इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा ओ, अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी एंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी के लिए प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीपेटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुई है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी ये प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पे वो काफ़ी बढ़िया नजर आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आर के स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चा

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडी पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें पांच पॉइंट छे की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस इस फिल्म में उसके सामने छत्तीस करोड़ जितना क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म का हिंदी YouTube प्रीमियर आपको आर्केड स्टूडियोज के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिच्चेकरन 2 फिल्म को अगर फिलहाल में ऑफिशियली एंजॉय करना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का हिंदी डबड वर्जन है उसको पिच्चेकरन नाम के साथ आप कल सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा YouTube चैनल आर्केड स्टूडियोज के ऊपर ऑफिशियली इस फिल्म को कारण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटी टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचय कारण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचय कारण टू एन टीबी और ये फिल्म 2016 की जो पिचय कारण आई थी उसका स्टेन सिकवल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीजें काफी अलग है पहला पिचयकरण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 42 से 43 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड रावडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिविडेंट दे, डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पिचयकरण टू तमिल नाम था बिचागाडू टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोज विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ अड़तालीस दो हजार विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे ने उसको गाया हुआ था। पुवे करके जो गाना था उसको तमिल नब कपूर ने लिखा हुआ था विक्रम पीति अरविंद कामेश्वरन कौशिक श्रीधरन पवित्राचारी लक्ष्मी और सुरभी ने उसको गाया हुआ था ये छे गाने थे जिसकी लेंथ थी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवीं फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिछागाड़ू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शन के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर के, के साथ बारह मार्च दो हज़ार बाईस को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जा दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई कोर्ट के शूटिंग कर रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम पुवे वो लगे में शूट हो रहा है विजय विजयी काव्य था पर वोटर स्कूटर पे प, एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई गई वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीजें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पुश किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरियोग्राफी राज सेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम में और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज किया गया था ट्रेलर था उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापा देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ एलंगा को प्ले किया है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई महेंद्र ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोड़ी का रोल शिवनैया ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, 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 महदेश प्रयादर्शिनी राजकुमार फवाज फवासानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जो काजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीयर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागर टू या पिचाई टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन टी लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीजें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराड़ी जॉन विजय ने एक सेटिसफैक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी के लिए प्रोजेक्ट वाला काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज ली हुई है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पर काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आरकेड स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकेंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चा

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें पांच पॉइंट की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने करोड़ जितना क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पर हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं

कारण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओ टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचयकरण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचयकरण टू एन के लिए और ये फिल्म 2016 की जो पिचई कारण आई थी उसका अलोन सिक्वल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीज़ें काफी अलग है पहला पिक्चर कारण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहां पे भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहां पे आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डेबिडेड दे डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज किया गया था जहां पर करण टू तमिल नाम था बिचागाडो टू तो तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने 148 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और 28 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिशिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है हजार बाईस दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको

ये छः गाने थे जिसकी थी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारम फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज़ हुआ बिछा गाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर करन ट्वेंटी बीकेले नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज़ किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जोर्जिया दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाईकोर्ट के शूटिंग कर रहे थे परमिशन तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम पुवे वो लगे में शूट हो रहा है विजय काव्या था पर आ, वोटर स्कूटर पे प, एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई हाँ गई वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमाटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरियोग्राफी राज शेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम में और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापा देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्ण अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा सामिका का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने, ने, ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोड़ी का रोल शिवन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको महदेश मह, मह प्रयादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और या नहीं जो जोक, काजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बलू को गाने में अपीयर हुई थे ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागर टू या पिचाई करण टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गैंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन के लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक संध में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या आ, क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अब ये सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते क्लाइमैक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराड़ी जॉन विजय ने एक सेटिसफेक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा ओ, अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में सेकंड हाफ में, में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुए उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पर काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नजर आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आर के डी स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ़ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चा

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने छत्तीस करोड़ जितना क्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस वो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे थे जहाँ पर हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिचाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

पिचयकरण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटी टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचयकरण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिछयकरण टू एन के लिए और ये फिल्म 2016 की जो पिचाई कारण आई थी उसका स्टेन सिकवल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीजें काफी अलग है पहला पिक्चर करण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 42 से 43 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डेविडेड डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पिचय करण टू तमिल नाम था बिचागाडू टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छह गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गाँव वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कंपोजिशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है हजार बाईस दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोयल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायण विघनेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू को करके जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे करेश रविचंद्रन ने उसको गाया हुआ था कलुम पुवे करके जो गाना था उसको लिखा हुआ था अरुण भारती ने गाया हुआ था शरद संतोष और मधुश्री ने वहीं पर इस फिल्म का जो गाना था हिरावन उरुविल उसको तमिला नब कपूर ने लिखा हुआ था विक्रम पीति अरविंद कामेश्वरन कौशिक केसरी धरन वृषा पवित्र चारी लक्ष्मी और सुरभि ने उसको गाया हुआ था ये छह गाने थे जिसके लिए थी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिक्चर कारण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारम फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज़ हुआ बिछागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्शर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लुक पोस्टर पिक्चर करन के लिए नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जॉर्जिया दुबई जैसे अलग अलग लोकेशंस में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाई कोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथोरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम पुवे वो लगे में शूट हो रहा है विजय इंटरिकाव्य था पर वोटर स्कूटर पे एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई गई वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो ब्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज़ में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय एंटनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरियोग्राफी राज सेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम में और महेश मेथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में एक चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज किया गया था ट्रेलर था उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापा देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा को रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोड़ी का रोल सिवन ने या ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको महदेश मह, मह राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक, जोक काथिर वहीं पे शिवानी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपीर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागर टू या टू फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले कर रहे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे और उनकी गेंग क्या विजय को मरना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हम सकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू वो पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन के लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी ये सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ऑन है पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते क्लाइमेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराडी जॉन विजय ने एक सेटिस्फैक्टरी वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नजर आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट हुई हुआ इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में सेकंड हाफ में, में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी प्रोजेक्ट वाला काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुए हैं उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपोर्टेंस दिया जा सकता उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पर काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आर के डिस्टूडो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ़ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चर

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें पाँच पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने करोड़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस वो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिछाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

पिचयकरण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटी टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचयकरण टू यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचयकरण टू एन के लिए और ये फिल्म 2016 की जो कारण आई थी उसका अलोन सिकवल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीजें काफी अलग है पहला पिक्चर करण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने बयालीस से तिरतालीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिबिडेंट डायरेक्टर दे 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 के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज किया गया था जहां पर पिचाई करण टू तो तमिल नाम था बिचागाडो टू तो तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाइस मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कम्पोज पोजीशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिशिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था बीस मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हजार में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोईल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पे विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और उसको सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू को करके जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे करेश, मा, ने उसको गाया हुआ था। पुवे करके जो गाना था उसको लिखा हुआ था। भारती ने गाया हुआ था तमिला अरविंद कामेश्वरन कौशिक श्रीधरन पवित्राचारी लक्ष्मी और सुरभि ने उसको गाया हुआ था ये छे गाने थे जिसकी थी बीस मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवें फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिछा टू उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्सर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर करन ट्वेंटी बी के लिए नाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो एक सेटम्बर दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जो दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाई कोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथोरिटी तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम फूवे वो लगे कवि में शूट हो रहा है विजय काव्या था पर आ, वोटर स्कूटर पे एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आएगी वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो ब्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय टनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरियोग्राफी राजशेखर ने की हुई थी जिन्होंने पनम कोश्यमय और महेश मेथ्यू फिल्म में एक काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज़ किया गया था ट्रेलर था वो उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापर देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जॉन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराड़ी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई जी महेंद्रन ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी का रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्ण मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोडी का रोल शिवन या ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको महदेश मह, मह

जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गेंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हमसकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू वो पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, के किसी एन टी के लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक संध में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन टी के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अब ये सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक ऑन सिकवा पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पर विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते थे में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देवगिल हरीश पेराड़ी जॉन विजय ने एक सेटिस्फैक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नजर आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नजर आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट की हुई थे इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा ओ, अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ़ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी इंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी के लिए प्रोजेक्ट वाला काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हुए उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीज़ें उनकी है प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पर काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आरके डी स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ़ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चर

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन 1600 वोट हासिल किए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने छत्तीसगढ़ करोड़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस वो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे जहाँ पे हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिछाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पर

पिचाय कारण नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटीटी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पिचाय कारण 2 यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेक्ट होता है बेगर टू इसका एक और नाम है पिचाय कारण 2 एनटीवी के लिए और यह फिल्म 2016 की जो पिचाय कारण आई थी उसका स्टैंड अलोन सिक्वेल है कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी लेकिन चीजें काफी अलग है पहला पिक्चा करण पार्ट था उसको शशि ने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था विजय एंटनी और सतना टाइटस लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 42 से 43 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसको हिंदी डब में राउड साइड राउडी नाम के साथ जी एंटरटेनमेंट वालों ने डब करवाया था वहाँ पे भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो पहला पार्ट अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच टी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो इसके अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी के ऊपर उसको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर आप रोड साइड राउडी नाम के साथ उस पार्ट को इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को विजय एंटनी ने डायरेक्ट किया हुआ है कहानी है वो विजय एंटनी के पलानी पॉल एंटनी ने लिखी हुई है वहीं पे विजय एंटनी की एक स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले किया गया था और विजय एंटनी इस फिल्म के साथ डिविडेंट डायरेक्टर के तौर पे सामने निकल के आए थे फिल्म को फातिमा विजय एंटनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था और उनके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पिचय करण टू तमिल नाम था बिचागाडू टू तेलुगु नाम था इस फिल्म के लीड रोल में विजय एंटनी और काव्या थापर थे टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफर थे ओम नारायण वहीं पे विजय एंटनी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया है वो भी विजय एंटनी ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आपको टोटल छः गाने सुनने को मिलने वाले और इन सभी गानों के राइट सारे गमा वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक कंपोजिशन विजय एंटनी ने किए हुए वहीं पे अलग अलग लिरिशिस्ट और सिंगर के पास गवाया हुआ था 20 मिनट अड़तालीस सेकंड का साउंड ट्रैक है 2022-2023 में इनको रिकॉर्ड किया गया था जहां पे ट्रैक लिस्टिंग करे तो बिकीली जो गाना है उसको लिखा और सिंगिंग दोनों किए हुए विजय एंटनी ने कोयल सिलाए गाने को अरुण भारती ने लिखा हुआ था निवास ने गाया हुआ था वहीं पर विजय एंटनी ने एंटी बिकीली थीम को भी लिखा हुआ था और सेन भगराज शरद संतोष सही सरन नारायणन विग्नेश नारायण ने उसको गाया हुआ था वहीं पे नानो बल्लू को करके जो गाना था उसको अरुण भारती ने लिखा हुआ था वहीं पे करेशमा रविचंद्रन ने उसको गाया हुआ था कल्लुम पुवे करके जो गाना था उसको लिखा हुआ था अरुण भारती ने गाया हुआ था शरद संतोष और मधुश्री ने वहीं पर इस फिल्म का जो गाना थे रायवन उरुविल उसको तमिला नब कपूर ने लिखा हुआ था विक्रम पीति अरविंद कामेश्वरन कौशिक श्रीधर अनुरुषा पवित्र चारी लक्ष्मी और सुरभि ने उसको गाया हुआ था ये छह गाने थे जिसके लिए थे 20 मिनट अड़तालीस सेकंड राइट्स खरीदे हुए थे सारे गमा वालों ने और ये सभी गाने फिलहाल में अगर आपको सुनने हैं तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल तेलुगु वर्जन में सारे के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत पिछयकरण सक्सेस हुई थी उसके बाद करीबन 2020 में फैसला लिया गया था कि इस फिल्म का सिक्वल बनाया जाएगा जहां पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया विजय एंटनी को ही आया था उन्होंने सबसे पहले शशि जिन्होंने ओरिजिनल पार्ट डरेक्ट किया था उनको ही अप्रोच किया था लेकिन वो दूसरे कुछ कमिटमेंट में बिजी थे जिसके चलते विजय एंटनी नए डायरेक्टर की खोज में गए जहाँ पे उन्होंने प्रिया कृष्णा स्वामी को भी अप्रोच किया हुआ था जिन्होंने बारहवें फिल्म को डरेक्ट किया हुआ था और इस फिल्म को बाद में फैसला लिया किया गया कि वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वो चौबीस जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया क्रू की अनाउंसमेंट थी वो बाद में तेलुगु टाइटल जब रिलीज हुआ बिछागाड़ू टू तो उसके साथ की गई थी कृष्णा स्वामी बाद में इस प्रोजेक्ट से निकल गए तो दो में उन्होंने कोडियल ओर वन के डायरेक्टर आनंद कृष्णम को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया ले। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले में भी उनका काम था तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट कर लेते हैं तो अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी यानी कि फातिम विजय एंटनी के द्वारा विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया उनकी दसवीं फिल्म थी करीबन ऐसे प्रोडक्सर के तौर पर वहीं पर इस फिल्म का कैरेक्टर लोग पोस्टर पिक्चर करण ट्वेंटी बीकेलेनाम के साथ 12 मार्च 2022 को रिलीज किया गया तो इस तरह से इस फिल्म के साथ सभी डेवलपमेंट में कामकाज हुआ था शूटिंग थी वो एक सेटम्बर 2021 को स्टार्ट करवा दी गई थी जहां पे चेन्नई मलेशिया कोलकाता जो दुबई जैसे अलग अलग लोकेशन में फोल्ड फिल्म को शूट किया हुआ था तेरह दिसंबर दो को तीन टेक्नीशियन जिसको अरेस्ट किया गया था जहाँ पे आ, ड्रोन कैमरा था वो उस कैमरा को लेते हुए चेन्नई हाई कोर्ट की शूटिंग रहे थे विदाउट एनी परमिशन अथॉरिटीज तो 16 जनवरी 2023 को बाद में रिवील किया गया था कि एक फिल्म का फाइनल सिक्वेंस है जो सॉन्ग है कल्लू रुम वो लगे कवि में शूट हो रहा है विजय काव्या था पर आ, वोटर स्कूटर पे एक आ, ए, उसके ऊपर सॉन्ग की फिल्म आई गई वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते विजय एंटनी का जो लाइन है नोज है वो प्रोक हो गया था उसके चलते कुछ चीज़ें हुई उसके बाद में जो काव्या थापर थी वो उनको भी नोज़ में फ्रैक्चर हुआ इंजरी हुई और ये सभी चीज़ों के चलते फिल्म को थोड़ा लेटर ऑन पोस्ट किया गया उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई बाद में सिनेमेटोग्राफी को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओम नारायण ने कम्प्लीट करवाई एडिटिंग विजय एंटनी ने खुद की एक्शन सिक्वेंस की कोरोग्राफी राज से करने की हुई थी जिन्होंने पनम में और महेश मिथ्यू फिल्म में काम किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साइन किया गया था उनको इसके अलावा इस फिल्म में चार मिनट का एक प्रमोशनल सिक पिक वीडियो भी क्रिएट किया गया था दस फरवरी दो हज़ार बीस तेईस को रिलीज़ किया गया था ट्रेलर था उनतीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने डबल रोल प्ले किया हुआ है विजय गुरुमूर्ति और सत्या का हेमा के रोल में काव्या थापर देखने को मिलती है अरविंद का रोल देव गिल ने प्ले किया हुआ है एलंगा का रोल जोन विजय ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर शिवा के रोल में हरीश पेराडी देखने को मिलते हैं मेडिक का रोल योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है चीफ मिनिस्टर का रोल राधा रवि को दिया गया था ए गोपाल के रोल में मंसूर अली खान देखने को मिलते एम कृष्णा अय्यर जो विजय गुरुमूर्ति के फादर के सेक्रेटरी थे वो रोल वाई महेंद्र ने प्ले किया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा सामिका रोल मोहन रमन ने प्ले किया हुआ था डॉक्टर मेहता के रोल में राजा कृष्णा मूर्ति देखने को मिलती है रानी जो सत्या के सिस्टर का रोल था वो शीला राजकुमार ने प्ले किया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में साईं धीना देखने को मिलती है पूनंग कोडी का रोल शिवन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको मह, 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 महदेश प्रियादर्शिनी राजकुमार फवाज सयानी जो अविनाश का रोल प्ले कर रहे थे और यानी जोक जोक काथिर वहीं पे शिवानजी वर्मा जो डांसर के रोल में नानू बुलू को गाने में अपियर हुए थे तो ये सभी लोग भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए बिचागढ़ टू या पिचयकरण टू फिल्म के ऊपर का बातचीत करें तो उसकी कहानी से शुरुआत करते विजय गुरुमती जो विजय एंटनी रोल प्ले करे वो सातवें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे उसके कलीग उनके फ्रेंड यानी कि अरविंद वो रोल देवगिल प्ले कर रहे हैं और उनकी गैंग क्या विजय को मारना चाहती है क्योंकि वो उसकी जो पैसा है वेल्थ है वो उसको हड़पना चाहती है उसकी जगह वो उसके जगह जैसा दिखने वाला एक हमसकल व्यक्ति है जहाँ पे उसका नाम है सत्या विजय एंटनी वो रोल प्ले करे वो एक भिखारी है उसको रिप्लेस करना चाहते और उसके उसके थ्रू वो पूरा पैसा हड़पना चाहते सत्या आ, जो एक आ, कि किसी एन टी लिए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो वो एक एक सन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एवेंज में कर देता है तो अभी एन के लिए प्रोजेक्ट क्या है सत्या क्यों हाँ अरविंद को और उस दूसरों को मानना चाहता है अभी ये सत्या कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर था और सभी जगह पे वो अच्छा रहा था हाँ हालांकि मेकर्स ने कहा था कि एक चैनल ओन सिकवा पर जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को हैंडल किया वो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन काफ़ी नीट नज़र आती है जिस तरह से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के तौर पे विजय एंटनी ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है फिल्म का पहला एक घंटा काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इनिशियली जो थर्टी मिनट्स थे उसको काफ़ी क्रिशल मैनर में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स की बात करते तो विजय एंटनी एक बार फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते क्लाइमेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे देव गिल हरीश पेराडी जॉन विजय एक सेटिसफेक्ट्री वाला काम किया हुआ है उनके रोल के साथ वो काफ़ी जस्टिस करते हुए नज़र आते हैं प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी नीट नज़र आती है डबिंग अच्छी थी फिल्म की हिंदी वर्जन की भी वहीं पे इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई गई वो हिंदी डबिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट की हुई थी इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डबिंग फिल्म देख रहे हो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा अच्छी थी लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर वे में एंगेजिंग मैनर में, में सेकंड हाफ़ में नेरेट किया जा सकता था सेकंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हाफ के मुकाबले स्क्रीन प्ले में उतनी एंगेजिंग बेहतर नहीं रह पाती है इस फिल्म का जो आइडिया था एन टी बी के लिए प्रोजेक्ट वाला वो काफ़ी बढ़िया था उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्ली मेंटेशन वाले जो सीन्स थे उसको अच्छी तरह से और बेहतर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था जहाँ पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज ली हुई है उसको थोड़ा बेहतर वे में रिलेट करके दिखाया जा सकता था काव्या था पर जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनका किरदार इस फिल्म में और बेहतर वे में इंपॉर्टेंस दिया जा सकता उसको प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में गाने उतने कुछ खास है नहीं और इस फिल्म में जिस तरह कुछ एक्टर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है विजय एंटनी ने इस फिल्म के साथ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर एडिटर स्टोरी राइटर सभी चीजें उनकी प्रोड्यूसर तो इन सभी जगह पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए लेकिन सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले उनका थोड़ा बेहतर हो सकता था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था गाने उतने अच्छे नहीं थे सिनेमेटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हिंदी डबिंग हिंदी डायलॉग्स अच्छी तरह से आरके स्टूडियो वालों ने डब करवाया हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी रिच नज़र आती है और बिग स्क्रीन पर देखो या स्मॉल स्क्रीन पर फिल्म काफ़ी अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चॉप ऑफ किया जा सकता था कुल मिला बात करें तो पिक्चा

और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडी पे करीबन 1600 सौ वोट हासिल किए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई दस में से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में उसके सामने 36 करोड़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक फिल्म ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जहाँ पे इस फिल्म के जो तेलुगु तमिल वर्जन के ओ राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में इस फिल्म का तमिल वर्जन आप डिजनी प्लस वो स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के अब हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो रिलीज से पहले आर स्टूडियो वालों ने उसके राइट्स खरीद लिए थे थे जहाँ पर हिंदी में इस फिल्म को सिर्फ पिछाई कारण नाम दिया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के सटेलाइट राइट्स कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो हिंदी डब वर्जन आपको सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं

पिक्च नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर तो बस दोस्तों पिक्चर करण टू फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास अपडेट थी जो बातें थी वो शेयर कर दी है फिल्म को किस तरह से आप ऑफिशियली ओ टी टी सेटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म से जुड़े अलग अलग फैक्ट्स से है वो शेयर किए हुए इसके अलावा इस फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर जानकारी दी हुई है फिल्म के अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर डिटेल में चर्चा हो चुकी है तो आज का हमारा यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू